12-1 बजे उसको पागलपन के दौरे आते थे. स्पोर्ट्स लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट. 0% अटेंडेंस पॉलिसी, वो एक वर्टिकल ट्रांसफर होता है जिसके लिए आपको बहुत ही अंदर डीप रूटेड चप्पल. सो व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग. तो यार मेरा नाम यथार्थ गैरोला है और मैं बिट्स पिलानी में सेकंड ईयर का एक स्टूडेंट हूँ. मतलब सेकंड ईयर हमारा कंप्लीट होने वाला है. सो मैंने सोचा कि क्यों ना जो बिट्स में बच्चे आने वाले हैं या जो आने की सोच रहे हैं उनके लिए एक वीडियो बनाया जाए. तो चलिए अब देर किस बात में. तो यार बिट्स में पढ़ते हुए मुझे लगभग 2 साल हो चुके हैं और अगर अपने एक्सपीरियंस को शॉर्ट में बताऊं तो कह सकता हूं कि बिट्स इज़ ट्रूली मतलब अमेजिंग. यहां पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि और कॉलेजेस से काफ़ी डिफरेंट है, जैसे कि 0% अटेंडेंस पॉलिसी है. ये पॉलिसी कि हम अपने टीचर्स और अपना टाइम टेबल खुद बना सकते हैं, है ना. ऐसा IITs में भी नहीं होता है जहां पर आपको टीचर्स असाइन कर दिए जाते हैं और 75% मिनिमम अटेंडेंस है. और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने इस कोर्स के दौरान, इस 2 साल के दौरान जानी है. मतलब मेरे को किसी ने बताई नहीं है, बट बींग अ बिट्सियन, बींग हेयर फॉर 2 ईयर्स, मुझे वो बातें पता चली. तो वो इनसाइड टिप्स जो केवल आपको एक बिट्सियन ही दे सकता है, वो इनसाइड टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ. पर उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग इस इंटरव्यू को जो कि मैंने तनिष विजय का लिया था, आप उसको देखें. तो यार फर्स्ट ईयर के एंड में मैंने अपने रूम पार्टनर से बोला कि यार थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बता फर्स्ट ईयर का, ताकि हम जब बाद में इस वीडियो को देखें तो हमें अच्छा लगे कि कैसे कैसे हमारा फर्स्ट ईयर रहा. सो मैं आपको वो कुछ इनसाइट की बातें बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ. बट उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग तनिष विजय का जो कि मेरा रूम पार्टनर था उसके कुछ एक्सपीरियंस सुनिए. तो यार इंटरव्यू शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए तो आपको तुरंत से पहले नोटिफिकेशन मिल जाए. तो आज हमारा SR में आखिरी दिन है और ये हमारे सामने तनिष विजय है जिनका हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं. तो देखते हैं इनका क्या कहना है. और यहाँ तनिष को चप्पल नहीं मिल रही है अपनी, एक चप्पल देख सकते हैं आप, बहुत ही अंदर डीप रूटेड चप्पल. और ये चप्पल मिल गई, सक्सेस. ये फोड़ा, अंधा फोड़ा है तनिष. हाँ जी तनिष विजय, तो कैसा रहा आपका पहला साल का एक्सपीरियंस श्रीनिवासन रामानुजन भवन में. SR में तो काफी अच्छा रहा, ये पूरा फर्स्ट ईयर का हॉस्टल था. यथार्थ रूममेट मिला. स्टार्टिंग में हम लोग इतना ज्यादा बहुत कंफर्टेबल नहीं थे, मतलब कंफर्टेबल इन द सेंस जानते नहीं थे, तो हम लोग एकदम फॉर्मली रहते थे. फिर यथार्थ के रंग धीरे धीरे दिखने लगे, वो नॉर्मल होने लगा. रात में 12-1 बजे उसको पागलपन के दौरे आते थे. कभी कभी बांसुरी बजाने, अचानक से उठ के बांसुरी बजाने लगता था. यूट्यूब वीडियो बनाने लग जाता था और फिर उसको यूट्यूब पे डाल देता था, तो उसमें मेरे को डर लगता था कि मैं ना पब्लिसाइज हो जाऊं. बट ठीक है, मतलब निथात काफी कोऑपरेटिव है, काफी अंडरस्टैंडिंग है और काफी चीजें मैंने सीखी. म्याओ में उसने काफी मेरी हेल्प करने की कोशिश की पर मेरे ग्रेड्स नहीं आए. आपको क्या लगता है कि आपने क्या क्या सीखा, कुछ लर्निंग्स जो आपने बिट्स में, केवल SR में नहीं, बिट्स में जो फर्स्ट ईयर में आपने कुछ लर्निंग्स गेन करी हो कुछ. बिट्स में मैंने ये तो सीखा कि यहाँ पे इतने सारे तरह तरह के लोग हैं, इतने डायनेमिक हैं. यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई मतलब हर बच्चा सिर्फ पढ़ाई में नहीं एक्सेल कर रहा है, मतलब वो जरूर कोई किसी, कोई बहुत अच्छा सिंगर है, कोई बहुत अच्छा टेनिस प्लेयर है, कोई बहुत अच्छा डिबेटिंग में है. सो बिट्स में आने का ये फायदा है कि हर तरह के लोग मिलते हैं, तो उससे सीखने को बहुत मिलता है और हर फील्ड में मिलता है. कुछ आपने बहुत सारी, डेफिनेटली आप 1 साल बिट्स में रहे, SR में रहे, तो बहुत सारी मस्तियां भी करी होंगी. कोई ऐसा मस्ती वाला इंसिडेंट या मस्ती वाली चीजें कुछ शेयर करना चाहेंगे कि हम ऐसे मस्ती करते थे, ऐसे अपने माइंड को फ्रेश करते थे. फन तो होता था रात में एंक चले जाना, फिर फीफा खेलना रियन के साथ, सबके साथ. अभी जैसे कि कल था बायोलॉजी के एक दिन पहले, पेपर के पहले हम लोग 8:30 बजे का पेपर था, 4:30-5 बजे तक हम लोग क्विज के बारे में डिस्कस कर रहे थे और लैटरल थिंकिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे. अपने जूनियर्स को कुछ एडवाइस देना चाहेंगे जो अब फर्स्ट ईयर में श्रीनिवासन रामानुजन के शानदार से हॉस्टल में आ रहे हैं, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप. कुछ ऐसा एडवाइस नहीं, मतलब ठीक है मजे करो एंड पढ़ाई भी करो, पढ़ाई इज लाइक इम्पोर्टेंट है, बट
इट्स नॉट एवरीथिंग. सर्टेनली क्लब्स, आपकी इंटरेस्ट की चीजें, कोई स्पोर्ट्स लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट. और खूब मजा करो लाइफ, बिट्स में सीखने के लिए अनलिमिटेड है और उसका पूरा फायदा उठा. बहुत बहुत धन्यवाद तनिष विजय जी हमें टाइम देने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके. तो मिलते हैं फिर सेकंड ईयर में, है ना. फर्स्ट ईयर का आज आखिरी दिन है श्रीनिवासन रामानुजन का. साइनिंग ऑफ फ्रॉम फर्स्ट ईयर, साइनिंग इन इनटू सेकंड ईयर. जय हिंद, जय भारत. तो कैसा रहा इंटरव्यू? अब देखो यार, हर कॉलेज में, हर डिपार्टमेंट में अच्छे और बुरे टीचर्स होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, एक डिपार्टमेंट का एक कल्चर बन जाता है. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. बिट्स में क्या है, जो बायोलॉजी डिपार्टमेंट है, फर्स्ट ईयर में आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे. आप बायो भी पढ़ोगे, आप केमिस्ट्री भी पढ़ोगे, आप फिजिक्स भी पढ़ोगे, आपका कोई भी ब्रांच है फर्क नहीं पड़ता. बायो का डिपार्टमेंट हमारे यहाँ बताऊँ कैसा है, बहुत लर्निंग बेस्ड है, बहुत अच्छा है. इट एक्चुअली वॉन्ट्स टू डिलीवर नॉलेज. वो चाहता है कि बच्चे कुछ सीखे. और किसी डिपार्टमेंट के बारे में चलो बुरा क्यों बोलूं, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो यहाँ का मैथ्स का डिपार्टमेंट है बिट्स पिलानी का, पिलानी कैंपस का जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, उसका मैथ्स डिपार्टमेंट थोड़ा सा मार्क्स ओरिएंटेड और उन चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करता है. मतलब मैं हर किसी को नहीं बोल रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर लाइक दिस. कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बहुत अच्छे भी हैं, जो जेन्युइन नॉलेज लोगों को, बच्चों को डिलीवर करना चाहते हैं. बट बायोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो चाहता है कि बच्चों को अच्छे से सिखाया जाए और प्रॉपर नॉलेज दी जाए. सो ये एक डिफरेंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. एक आपको मजे की बात बताऊं तो फर्स्ट ईयर के बाद मेरे साथ के कई स्टूडेंट्स ने ऐसा करा जो मैथ्स में थे और वो मैथ्स से उन्होंने बायो में शिफ्ट ली, है ना. तो सोचने की बात है, मतलब मैथ्स की तो कट ऑफ ऊपर जाती है, तो बच्चे मैथ्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं जनरली. बट यहाँ आके उन्हें फर्स्ट ईयर में रियलाइज़ होता है यहाँ का मैथ्स का डिपार्टमेंट तो मतलब मज़ा नहीं आया, और बायो का डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है. सो कई बार बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स से बायो में शिफ्ट होते हैं, विच इज़ नॉट ईजी. क्योंकि आपको अगर किसी डिपार्टमेंट में आना है तो उस डिपार्टमेंट के टॉप 5 परफॉर्मर्स में से एक आपको बनना पड़ता है. सो दैट इज़ नॉट ईजी. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मैथ्स मतलब बायो ही लो, अगर आपको जेन्युइन इंटरेस्ट है मैथ्स में तो आप मैथ्स ही लो. बट इन जनरल बता रहा हूँ, अगर आपके मन में ये है कि नहीं 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 बायो तो बेकार है और हम तो मैथ्स पढ़ते आ रहे हैं तो एकदम से बायो कैसे पढ़े, तो ऐसा मत सोचो. अगर आप अपनी जो काउंसलिंग में जो वो आती है प्रेफरेंसेस, उसमें आप अगर बायो जेन्युइनली आपको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट, अगर बायो में आपको बायो अगर अच्छी लगती है तो आप बायो भी भर सकते हैं, विच इज़ अ ग्रेट ऑप्शन है. मैं एक सीनियर थे हमारे, तो वो बायो डिपार्टमेंट के ही थे और आज उन्होंने एक अपना स्टार्टअप खोला है, एक ऐसा स्टार्टअप जिसमें बायो से रिलेटेड वो काम कर रहे हैं, जीनोमिक्स करके उन्होंने स्टार्टअप खोला है. तो शायद उसमें ऐसा है कि कुछ आपके सैंपल्स वो लेंगे और उस सैंपल से वो कुछ डीएनए टेस्टिंग टाइप की करेंगे और उससे वो पता लगा देंगे कि आपको आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद कौन सी बीमारी आ सकती है ना. सो ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है. अगर आपको किसी चीज में जेन्युइन इंटरेस्ट है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है. तो ये बस मुझे बताना था बायो और मैथ्स डिपार्टमेंट के बीच का फर्क, ताकि आप एक वाइज डिसीजन ले पाओ, ज्यादा वाइज डिसीजन ले पाओ. और यार, जो आपको काउंसलिंग में एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी मैथ्स ये दिखाई देगा, तो ये मत सोचिएगा कि वो केवल एमएससी है. फर्स्ट ईयर के बाद यू कैन चूज टू गेट अ ड्यूअल डिग्री. सो यू विल गेट अ ड्यूअल डिग्री ऑफ बीई, लेट से मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, व्हाटएवर, प्लस एमएससी. आपको अगर कंप्यूटर साइंस ही पढ़नी है या आपकी स्पेसिफाइड इलेक्ट्रिकल ही पढ़नी है या कोई ऐसा ही पढ़ना है, या लेट से मार्क्स है 340 या 345 आउट ऑफ 450 और कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ गई 380, तो कंप्यूटर साइंस तो आप नहीं पढ़ सकते हो. बट एक ऐसा भी तरीका है जिससे आप पढ़ सकते हो. कैसे? आप ले लो एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी मैथ्स, एमएससी बायो, एमएससी इकोनॉमिक्स, कोई सा भी एमएससी ले लो. फर्स्ट ईयर आप थोड़ा सा मेहनत करो, अपनी जो क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज सीजीपीए है उसको आप 8.5 के आसपास ले आओ या उससे ज़्यादा ले आओ, तो आप इजीली एमएससी के साथ कंप्यूटर साइंस ले सकते. सो आप एमएससी वाली ब्रांच ले सकते हो इफ़ यू आर विलिंग टू स्पेंड 1 ईयर मोर, और उसके साथ आप बीई वाली डिग्री ले सकते हो. ये ऐसी फैसिलिटी केवल बिट्स में ही है, आपको आईआईटीज में भी नहीं मिलेगी. आईआईटीज में बीटेक प्लस एमटेक होता है, बट नॉट बीई प्लस एमएससी. ये जो साइंस और इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन है ये बिट्स में स्पेशल है, और जिन लोगों को कंप्यूटर साइंस ही पढ़नी है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी है, बिकॉज अभी उनके अच्छे मार्क्स नहीं है बट फर्स्ट ईयर अगर वो मेहनत करते हैं सो दे कैन गेट कंप्यूटर साइंस. और अगर आप ये सोचो कि मैं ट्रांसफर कर लूँ तो वो बहुत मुश्किल होता है. अगर आप ये सोचे कि मैं अभी तो मैकेनिकल ले लेता हूँ और फर्स्ट ईयर पढ़ के ट्रांसफर कर लूँगा, वो ट्रांसफर बहुत मुश्किल होता है. वो एक वर्टिकल ट्रांसफर होता है जिसके लिए आपको यू डोंट नो मतलब 9.9, कई बार 9.10 की भी जरूरत पड़ती है. तो 9.9 और 10 सीजी लाना बहुत मुश्किल होता है, वेर एज गेटिंग अ सीजी ऑफ 8.3, 8.4 और 8.5 इज रिलेटिवली ईजी. तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को कुछ हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट टिप्स मिली हो इस वीडियो से. इफ यू लाइक द वीडियो डू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा हो. आपको कोई भी क्वेरी हो बिट्स साइड से रिलेटेड, बिट्स की कैंपस लाइफ से रिलेटेड, कॉलेज लाइफ से रिलेटेड, आप डेफिनेटली मेरे से पूछ लीजिए.
और यू नो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, अभी भी मौका है, कर दीजिए ताकि और वीडियोस के बारे में आपको पता लग जाए। तो यार कॉलेज में बहुत कुछ होता है, पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए होता है, देर इज़ अ लॉट टू लर्न एंड एक्सप्लोर, है ना। मैंने यूट्यूब जो है वो कॉलेज में आने के बाद ही शुरू करा, तो आप आओ बिट्स, फिर मिलता हूँ आपसे बिट्स में। सो ऑल द बेस्ट यार, अच्छे से आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन करिए, बिट सेट अच्छे से दीजिए, IIT JEE एग्जाम्स जो भी आप एग्जाम्स दे रहे हैं अच्छे से दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए give you 100% in whatever you do, be happy, make others happy and smile. Dog fight at the red bits pilani.